नमस्कार दोस्तों, रमेश मंत्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं स्टडी पर, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने हम बात करते हैं कि अपने पढ़ाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी अपन को बरतनी चाहिए और क्या क्या अपन को नहीं बरत करना चाहिए। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है टारगेट डिसाइड, कि आपका क्या टारगेट है, आप किसके लिए पढ़ाई करें, वो अपने पहले अपन डिसाइड करना पड़ेगा कि अपन IPS के नौकरी कर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या IIT के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, PMT के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या टीचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या और किसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पहले अपना जो टारगेट होता है उसके लिए अपन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपना टारगेट क्या है, अपन किस लेवल की पढ़ाई करनी है, वो उस लेवल तक का अपने पास स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। अपना जो पहला काम होता है अपना टारगेट डिसाइड करना कि अपना टारगेट क्या है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है टाइम मैनेजमेंट। उस टारगेट के बाद जो टाइम मैनेजमेंट आता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अपना टाइमिंग क्या है। उस किसी को मान लो कि सब्जेक्ट को वो 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है। सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का होता है कि सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा यही होता है टाइम मैनेजमेंट कि अपन को फिजिक्स किस दिन पढ़ना है, जिसको 2 घंटा पढ़ना है, मैथ को 2 घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है, कौन से टाइम में पढ़ना है, वो सब टाइम मैनेजमेंट में आता है। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। स्टडी में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है योगदान। अगर आपने पढ़ाई करी है, सब कुछ काम कर लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपने कुछ भी नहीं किया। सबसे काम इम्पोर्टेंट आता है प्रैक्टिस। आपने पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस नहीं किए ना तो आप कुछ भी नहीं किए। सबसे बड़ा काम होता है प्रैक्टिस। बार बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे और उस चीज़ को याद करोगे, प्रैक्टिस कर कर याद करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख प्रैक्टिस करोगे, तो स्टडी के अंदर सबसे बड़ा योगदान प्रैक्टिस का होता है। अगला पॉइंट आता है गुड फ्रेंड सर्कल आता है कि भाई अच्छे फ्रेंड्स हो, आपने अच्छी संगत हो, अपने फ्रेंड्स होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ अपन रहते हैं, उसके माहौल में अपन ढल जाते हैं, तो उनका भी स्टडी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक होता है बैड संगत भी होती है, बैड फ्रेंड्स भी होते हैं, सर्कल होता है उनका, जो बुरी संगत में आते हैं, जो जैसे मानो कि कोई रोड पे घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनके अपने साथ रहते हैं, तो उनका भी बहुत अपने जो पढ़ाई पर बहुत असर ज़्यादा करती है। अगला पॉइंट आता है पेपर रिचेक, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टडी का जो पॉइंट है माना जाता है कि आपने जो पेपर दिए हैं परीक्षा का, जो माइनर पेपर है, जो भी पेपर दिए हैं उसके ऊपर रीचेक नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया, तो घर पे जाके आपको उसको रीचेक करना है, उसको चेक करना है कि मैंने कहाँ सिली मिस्टेक कहाँ की है, मैंने गलती कहाँ की है, ये क्वेश्चन जो मुझे मेरा गलत हुआ है क्यों हुआ है, अगर नहीं आया तो मुझे क्यों नहीं आया, वो डाउट काउंटर पर क्लियर करो, आप उसको चेक करो कि मैंने आज कितना सही किया, कितना गलत किया, उसको रिचेक करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कंटिन्यू स्टडी। स्टडी में हमेशा कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पढ़ाई करी उसके बाद आपने पढ़ाई कर 5 दिन का गैप कर दिया, पढ़ाई नहीं किताब खोल भी देखा, तो कंटिन्यू स्टडी आपको करना ही है। स्टडी अगर कंटिन्यू करोगे उसमें स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टडी को कंटिन्यू ही रखना है, बीच में ब्रेक देना ही नहीं है। डाउट काउंटर अगला जो पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस डाउट काउंटर, मतलब डाउट काउंटर का स्टडी में इतना महत्वपूर्ण होता है स्थान, वो योगदान होता है डाउट काउंटर का, जिससे आपने पढ़ाई कर लिया, आपने जैसे मान लो केमिस्ट्री के अंदर आपने केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक पढ़ रहा हो उसमें कितने डाउट्स आ रहे हैं आपके, आपने ये तो है नहीं कि आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया आपको डाउट नहीं आएगा, डाउट आ रहा है आपके, तो अगर उसको सर्कल करो आप डाउट काउंटर भी, अगर आओ नेक्स्ट डे आप आओ दूसरे दिन आओ आप मुझे ये नहीं आ रही, वो डाउट काउंटर पे आप आकर उसको सर्कल बनाओ, डाउट काउंटर पे आकर और आप उसको सोल्व करो, डाउट काउंटर पे टीचर रहते हैं, पूछो कि मैं सर से पूछो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो डाउट काउंटर बता देंगे आपको, तो सोल्व जाएगा। लेकिन आप जो डाउट का पढ़ाई करने के बाद में आपके 5 डाउट आ गई किस टॉपिक के अंदर और आप डाउट काउंटर आए नहीं, दो पांच वो डाउट तो रहेगी आपके,
तो वो किसी ना कोई परीक्षा में आता है तो दिक्कत हो सकती है। तो डाउट काउंटर का भी स्टडी में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और लास्ट का जो पॉइंट आता है होमवर्क टाइम पर करना, जो सर आपको जो होमवर्क देते हैं उसको टाइम पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपको होमवर्क दिया, पाँच दिन आपको ड्यू पड़ा है, काम पूरा नहीं किया, तो उसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो होमवर्क टाइम पर करना चाहिए। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।